बारिश के ठंडे ठंडे मौसम में गर्मा गर्म वड़ा पाव खाने का एक अलग ही मजा है। तो चलिए आज हम मुंबई का फेमस बटर मसाला वड़ा पाव बनाएंगे और इसके साथ हम लहसुन की ड्राई चटनी और ग्रीन चटनी भी बनाएंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम वड़ा के लिए मसाला बनाएंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक पैन में 4 टेबलस्पून ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल को गर्म हो जाने देंगे, उसके बाद इसमें 1 टीस्पून राई डालेंगे। राई को थोड़ा सा क्रैकल हो जाने देंगे, उसके बाद इसमें 1/4 टीस्पून हींग डालेंगे और ये थोड़े से कड़ी पत्ता है उसको हम इस तरह से तोड़ के डाल देंगे। और अब मैंने ना यहाँ पे अदरक और हरी मिर्च को क्रश कर लिया है, तो 1 टेबलस्पून अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट डालेंगे। इसको ना हम 1 मिनट के लिए सौते कर लेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो निकल जाएगा। अदरक और लहसुन अच्छे से सौते हो चुके हैं, तो अब ना हम इसमें लहसुन की ड्राई चटनी डालेंगे। तो मैं यहाँ पे 1 टीस्पून डाल रही हूँ, ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं डालना तो स्किप कर सकते हो। इसकी जगह ना आप लहसुन की पेस्ट भी इसमें डाल सकते हो। इसके साथ ही हम इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी डाल देंगे, 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर मिलाएंगे, 1 टीस्पून गरम मसाला और 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। और अब इन मसालों को ना अच्छे से मिला लेंगे। हमें इसे 1/2 मिनट के लिए सौते कर लेना है। तो ये सौते हो चुका है, तो अब ना हम इसमें उबले हुए आलू डाल देंगे। तो आलू को ना आप ग्रेट करके भी डाल सकते हो। मैं यहाँ पे आलू डाल के उसको मैश कर लूंगी। मैंने ना यहाँ पे पाव भाजी मैशर लिया है, उससे हम आलू को अच्छे से मैश कर लेंगे। लहसुन की ये ड्राई चटनी कैसे बनानी है उसकी रेसिपी मैंने आगे वीडियो में डाली हुई है, तो वीडियो को ना एंड तक जरूर देखना। देखिए आलू मैश हो चुके हैं, तो अब ना हम इसमें 1 टीस्पून आमचूर पाउडर डालेंगे और इसके साथ ही 1 टीस्पून चीनी डाल देंगे। चीनी डालने से ना टेस्ट बैलेंस होगा, वड़ा बिल्कुल भी मीठा नहीं बनेगा, तो इसे ज़रूर डालें, इससे ना वड़ा का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और मैंने स्वाद के अनुसार नमक भी डाल दिया है, तो इसको ना हम बहुत अच्छे से मिला लेंगे। मुझे नमक थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैं और डाल रही हूँ, और इसके साथ ही बहुत सारा इसमें धनिया भी डाल देंगे और ये सब कुछ बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा आलू का मसाला तो तैयार है, तो इसको ना हम थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे और तब तक हम लहसुन की ड्राई चटनी बना लेंगे। लहसुन की ये चटनी ना हम खल में बनाएंगे, तो इस तरह से कूट के बनाने से ना ये चटनी बहुत ही अच्छी बनेगी। तो लहसुन को ना हम खल में डाल देंगे और बहुत अच्छे से इसको क्रश कर लेना है। लहसुन की ये चटनी ना मैं थोड़ी अलग तरीके से बनाती हूँ, जो ओरिजिनल वड़ा पाव की चटनी होती है ना वो हम वैसी चटनी नहीं बनाएंगे, एकदम सिंपल तरीके से ये चटनी बनाएंगे। लेकिन इस चटनी से जो वड़ा पाव बनेगा ना वो सेम बाहर जैसा ही बनेगा। देखिए लहसुन अच्छे से क्रश हो चुका है, तो अब इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। और अब मैं ना यहाँ पे 4 टीस्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, क्योंकि ये चटनी हमें स्पाइसी बनानी है। और 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर डाल देंगे। और अब इन सबको ना थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, उसके बाद फिर से इसको अच्छे से क्रश करके चटनी बनानी है। तो इसको ना अच्छे से कूट लेंगे, इससे ना सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाएगा और चटनी हमारी तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए हमारी लहसुन की ड्राई चटनी एकदम तैयार है। तो चलिए अब ना इसका हमें तड़का लगाना है। सबसे पहले तो चटनी को ना हम एक बोल में निकाल लेंगे और अब इसका तड़का लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे एक पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल गरम कर रही हूँ। ऑयल गरम हो जाएगा, उसके बाद इसमें थोड़ी सी हींग डाल देंगे और तुरंत ही ये तड़का हम चटनी के अंदर डाल देंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे। तो ये देखिए हमारी सूखी लहसुन की चटनी तैयार है। इस चटनी को आप स्टोर करके भी रख सकते हो और इसे रोटी या फिर भाखरी के साथ भी खाओगे ना तो बहुत ही अच्छी लगेगी। और ये देखिए हमारा आलू का मसाला भी तब तक ठंडा हो चुका है। अब मैं ना इसमें से बड़ी बड़ी साइज़ के बॉल्स बना लूँगी। तो मैं यहाँ पे ना बड़े बड़ी साइज़ के बना रही हूँ, क्योंकि मेरे पाव की साइज़ बड़ी है। अगर आपके पाव छोटे हैं ना तो आपको छोटी साइज़ के वड़े बनाने हैं। सारे मसाले में से हम बड़ी साइज़ के बॉल्स बना लेंगे। मेरे यहाँ पे टोटल 8 बॉल्स बने हैं, अगर आप छोटे बनाओगे तो ज़्यादा बनेंगे। तो देखिए हमारे बॉल्स बन चुके हैं, तो वड़ों को फ्राई करने के लिए हम बेसन का बैटर बना लेंगे। तो उसके लिए ना हम एक बॉल में 1.5 कप जितना बेसन डालेंगे। इसमें थोड़े से मसाले भी कर लेंगे, तो स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे, पिंच ऑफ हल्दी डालेंगे, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और अब इसको ना विस्कर से अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका ना एकदम थिक बैटर बनाना है। बैटर को हमें ज़्यादा पतला नहीं करना है, वरना वड़ों को फ्राई करने में मुश्किल ही होगी। तो थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालेंगे। और अब मैं यहाँ पे 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल रही हूँ, इससे हमारे वड़े एकदम फुले फुले बनेंगे। सोडा डाल के अच्छे से मिला लेंगे, तो हमारा बैटर भी अच्छे से फूल जाएगा। और ये देखिए हमारा बैटर हमें इतना ठीक रखना है।
तो देखिए हमारा बेसन का बैटर तैयार है। तो अब ना इसमें हम वड़े को डीप करेंगे और इसको ना गरम तेल में फ्राई कर लेंगे। वड़े को डालने से पहले तेल को चेक कर लेंगे। अब वड़े को ना बैटर में डीप करके उसको कांटा चम्मच के ऊपर रख देंगे और अब इस वड़े को डायरेक्ट हम ऑयल में डालेंगे। इसी तरह से हम सारे वड़े ऑयल में डाल देंगे। आप चाहो तो हाथों से भी इसको डाल सकते हो। वड़ा का बैटर बनाते टाइम ध्यान रखना है कि इसका बैटर अगर पतला होगा ना तो इसका कोटिंग तेल में निकल जाएगा, तो फिर पूरा वड़ा खराब हो जाएगा। इसके लिए हमें बैटर को ना गाढ़ा ही रखना है, तभी हमारे वड़े अच्छे से बन पाएंगे। एक साइड से वड़े फ्राई हो चुके हैं, तो कांटा चम्मच की मदद से ना वड़े को दूसरी साइड भी पलटा के फ्राई कर लेंगे। इन वड़ों को हमें मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है। ये एक्स्ट्रा जो बेसन की सेव बनी है ना उसको हम निकाल लेंगे और वड़ों को अच्छे से फ्राई होने देंगे। तो सब तरह से पलटा पलटा के वड़ों को अच्छे से फ्राई कर लेना है। अगर आपको वड़ों को क्रिस्पी बनाना है तो आप बेसन के बैटर में एक चम्मच चावल का आटा भी मिला सकते हो। ये देखिए हमारे वड़े अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तो इसको हम ऑयल से निकाल लेंगे और मैं यहाँ पे इसे डायरेक्ट स्ट्रेनर में डालूंगी ताकि एक्स्ट्रा जो ऑयल होगा ना वो भी निकल जाएगा। इसी तरह से हम सारे वड़ों को फ्राई कर लेंगे। और चलिए अब ना हम वड़ा पाव के साथ खाने वाली ग्रीन चटनी बनाएंगे। ग्रीन चटनी बनाने के लिए हम एक मिक्सी के जार में 3 हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च को इस तरह से तोड़ के डाल देंगे और अब इसमें 1 टेबलस्पून मूंगफली के दाने डालेंगे, 1 टीस्पून जीरा डालेंगे, स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे और 4 लहसुन की कली डालेंगे। लहसुन हमें इसमें ज़्यादा नहीं डालना है। और अब इसमें ना बहुत सारा धनिया डाल देंगे। इसको ना हम डंडियों के साथ ही डालेंगे, इससे हमारी चटनी गाढ़ी भी बनेगी और बहुत ही टेस्टी बनेगी। और ऊपर से हम इसमें 1 टीस्पून शुगर डालेंगे और आधे नींबू का रस डाल देंगे। और अब लास्ट में हम चटनी में 1/4 कप से थोड़ा सा कम पानी डाल देंगे और चटनी को पल्स में पीस लेना है। तो ये देखिए हमारी एकदम टेस्टी ग्रीन चटनी भी तैयार है। इसे ना हम एक बोल में निकाल देंगे और हमने ऑलरेडी रेड चटनी भी बना के रखी है। वड़ा पाव के लिए हमारी दोनों चटनियाँ तैयार है। तो चलिए अब ना हम इसमें से वड़ा पाव बनाएंगे। वड़ा पाव के लिए पाव को ना हमें इस तरह से कट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे मसाला बटर वड़ा पाव बना रही हूँ। तो तवे को हम गरम कर लेंगे और उसके ऊपर हम 2 टेबलस्पून बटर डालेंगे। अगर आपको ज़्यादा बटर डालना है तो आप ज़्यादा डाल सकते हो। मैं यहाँ पे कम बटर डाल रही हूँ। इतना बटर हम 3 वड़ा पाव के लिए यूज़ करेंगे। और अब बटर के साथ हम 1 टेबलस्पून लहसुन की ड्राई चटनी डाल देंगे और इसको ना हमें बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है और 30 सेकंड के लिए पका लेना है। इस टाइम पे हमें गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखना है। चटनी हमारी अच्छे से पक चुकी है, तो हम पाव के ऊपर ये चटनी लगा लेंगे। तो पाव को ना हम डायरेक्ट तवे के ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर चटनी लगा लेंगे। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी करना है ना तो आप 2 पाव के ऊपर ये चटनी लगा सकते हो। इतनी चटनी हम 3 पाव के ऊपर लगाएंगे। पाव के अंदर चटनी लगाने के बाद हम पाव को बंद करके तवे के ऊपर रख देंगे और जो भी बचा हुआ बटर और चटनी है ना वो भी पाव के ऊपर और नीचे दोनों साइड लगा लेंगे। और अब पाव को हमें 1 मिनट के लिए गर्म कर लेना है। पाव को ना हमें एकदम सॉफ्ट ही रखना है, इसे हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है वरना वो क्रिस्पी हो जाएगा। तो देखिए हमारा पाव अच्छे से सिक चुका है, तो इसके अंदर ना हम वड़ा रख देंगे और वड़े के ऊपर फ्राई करी हुई स्पाइसी हरी मिर्च रख देंगे। और ये देखिए हमारा एकदम मुंबई स्ट्रीट स्टाइल मसाला बटर वड़ा पाव बनके तैयार है। तो बारिश के ये ठंडे ठंडे मौसम में ये गर्मा गर्म वड़ा पाव बना के ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको ये मेरी वड़ा पाव की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।